तन तन बाबा दीप सिंह जी, 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 तन तन बाबा दीप
सिंह जी। तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच, सोचै सोच न होवई जे सोची लाख बार, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सहस स्याण पा लख हो हे तैक न चलै नाल, किव सचियारा होइए किम कूड़ै तुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई, हुक्मी होवन जीया हुक्म लै वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है, हुक्म है अंदर सब को बार हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे पूजै ता हूं मैं कहे ना कोई, गावे को तानो होवे किसे तानो, गावे को दात जाने निशानो, गावे को गुण वडियाई आचारो, गावे को विद्या विखम विचारो, गावे को साज क्रेतन खे है, गावे को जीले फिर दे है, गावे को जापे दिसा दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर, कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे प्रवाहो, साचा साहिब साच नाई पाखिया पावो पार, आखे मंगे देह देह दात करे दातार, फिर के अगे रखिए जिद सदरबार, मोह के बोलन बोलिए जे सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार, नानक एवे जानिए सब आपे सचियार, थाप्या ना जाए किता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निदान, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर लै जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई, गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई, जेहू जाना आखा नाही कहना कथ न जाई, गुरां एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, तीरथ नावा जे तिस पावा बिन पाने के नाए करी, जे तिस टोपाई वेखा बिन कर्मा के मिला लई, मत विच रतन जवाहर माणक जे गुर के सिख सुनी, गुरां एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, जे जुग चारे आर जा होर्द सुनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए, चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नजर ना आवई ता बात न पूछै के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे, नानक निर्गुण गुण करे,
गुणवंतिया गुण देते हां कोय ना सुजई जे तिस गुण कोय करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै धरतवला आकाश सुनै दीप लो पाताल सुनै पोहे ना सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै ईसर ब्रह्मा इंद सुनै मुख सलाहन मंद सुनै जोग जुगतन भेद सुनै शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सत संतोख ज्ञान सुनै अठ सठ का इसनान सुनै पड़ पड़ पावे मान सुनै लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सरा गुणा के गाहा सुनै सेख पीर पातशाह सुनै अंधे पावे राहु सुनै हाथ वैस गाहो नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कह पीछे पछताए कागद कलम ना लिखन हार मन्ने कावे करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन सुरत होवे मन बुद्ध मन सगल पवन की सुध मन मोहे चोटा ना खाए मन जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक ना पाए मन पत स्यों परगट जाए मन मग्न चल पंथ मन धर्म सेति संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन पावे मुख द्वार मन परवार साधार मन तरै तारी गुरसिख मन नानक पवे ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पाव हे दरगह मान पंचे सोह हे दरा जान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह कर विचार करत कह कन्न नहीं सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूत जे को बुझै हुवे सच्यार तवला उपर केता पार धरती होर पर होर होर तिस्ते पार तलै कमन जोर जिया जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुढ़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तानस वाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत किता पसाओ एक कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कमन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप संख पाओ संख पूजा संख तपताओ संख ग्रंथ मुख वेद पाठ संख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार संख सती संख दातार संख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कमन कह विचार वार ना जावा एक बार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंधकोर संख चोर हराम खोर संख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ हत्या कमाहे संख पापी पाप कर जाहे संख कुड़ियार कूड़े फिराहे असंख अमलेश मल पख खाहे संख निंदक सिर करहे पार नानक नीच कै विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार
असंख नावो संख थावो गम गम संख लो संख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे तिसर नाहे जि फुरमाए तिव तिव पाहे जित किता ते तनाओ बिन्नावै नाही को थाओ कुदरत कवन का विचारो वार ना जावा एक वारो जो तुद पावै सई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार भरिय हथ पै पैर तंदे है पानी तो तर सोखे है मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए परिये मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आव हो जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान सुनया मनया मन किता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण किते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ कौन सो वेला भगत कवण कवण थित कवण वार कवण सिरुति माहो कवण जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवे ले पुराण वक्त ना पायो का दिया जे लिखन ले कुरान थित वारण जोगी जाने रुत माहु ना कोई जा करता सिरटी को साजे आपे जाने सोई किम करिया खां किम सालाही क्यों वरनी किम जाना नानक आखण सब को आखा एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई किता जाका होवै नानक जे को आपो जाने अगे ज्ञान सो है पाताला पाताल लख आगा साया गास ओड कोड़क पाल थके वेद कैनिक वात सहस ठहर कैनक ते बाय असलु इक तात लेखा होए त लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सालाही सालाहे एति सुरत न पाइया नदियां ते बाह पवै समुद्र न जानिए हे समुंद सा सुल्तान गिरह सेती माल तन कीड़ी तुलना होवणी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिरती कै न अंत अंत न करण दे न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारा बार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहु अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड़ ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जेवड़ आप जाने आपे आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल नातमाए केते मंगे जोद पार केते अगणत नहीं विचार केते खप टूटे बेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केतिया दुख भूख सदमार एपे दात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए हो राख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाने जेतिया मोह खाए आपे जाने आपे दे आखे से पे केई के जिसनो बख्शे सिव सालाहा नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारिये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल जाहे अमूल पाए अमूल समाहे
अमुल धर्म मुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान मुल बख्शीस मुल निशान अमुल करम मुल फुरमान अमूलो मुलाख्या न जाए आखरे लिवलाए आख वेद पाठ पुराण आख पढ़े कर विख्याण आखे ब्रह्मे आख इंद आख गोपीता गोविंद आख हे ईश्वर आख सिद्ध आख हे किते किते बुद्ध आख दानव आख देव आख सुर नर मुंजन सेव केते आखे आखन पाहे केते कह कह उठ जाहे एते किते और करे है ताख न सके केई के जे बड़ पावे ते बड़ होए नानक जान साचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिया सिर गावार गावार सोदर के हा सो कर के हा जित बै सर्व समाले वाजे नादन एक संखा केते बावन हारे केते राग परिश्यों कहियन केते गावन हारे गावे तोनो पौन पानी बै संतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे हे चित गुप्त लिख जान हे लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सुन सदा सवारे गावे हे इंद्र दासन बैठे देवते अंदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावे हे वीर करारे गावन पंडित पण रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे हे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ प्याले गावन रत्न पाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावे हे जोत महाबल सूरा गावे हे खानी चारे गावे खंड मनवर पंडा कर कर रखे तारे सही तुदनो गावे हे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावण से मैं चितना आवण नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिबो साचा साची नाई है पियो सी जाय ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावे सोई कर सी हुक्म न करना जाई सो पातशाहो साहा पात साहिबो नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरमपत चोली ध्यान की करे विभूत खिंता काल कुवारी काया जुग टंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे को वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट कटवाज नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्धवरा साध संजोग विजोग द्विकार चलावे लेखे आवे भाग आदेश तिसे आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुगे को वेश एक माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जिव तिस पावे तिव चलावे जिव हुए फुरमान ओह वेख ओना नदना आवे बहुता यो विडान आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे को वेश आसन लोए लोए भंडार जो खिच पाया सो एक वार कर कर वेख सिरजनहार नानक सच की साची कार आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुगे को वेश एक दूज बो लख हो हे लख वै लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश ए तराए पत पबड़िया चढ़िया होए कीस सुन गलाया कास की कीटाया रीस
नानक नदरी पाई कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुप नह जोर जोर ना मंगण देना जोर जोरना जीवन मरण नह जोर जोरना राजमाल मन सोर जोरना सुरते ज्ञान विचार जोरना जुगती छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुति थिति वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल तिस विच जीए जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आपो सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच प्रवान नदरी करम पवे निशान काच पकाई उथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड कयो धर्म ज्ञान खंड कया को करम केते पौन पानी बैसंतर केते कान महेश केते ब्रह्मे काड़त कड़िये रूप रंग के वेश केतिया कर भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी दिवेश केते देवदान मुन केते केते रत्न समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात निरंद केतिया सूति सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड़े नंद सर्व खंड की बाणी रूप तिथे काढ़त कड़िये बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कह पीछे पछताए तिथे कड़िये सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िये सुरा सदा की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोद महाबल सूर तिन मह राम रहा भरपूर तिथे सितो सीता मै मा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरह ना ठाके जाहे जिनके राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै के लो करे नंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल तिथे खंड मंडल बरपंड जे को कथे ता अंत न अंत तिथे लो आकार जीव जीव हुकम तिव तिवकार वेखे विकस कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा तिरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत ढाल कड़िए शब्द सची टकसाल जिनका नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेल सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचा धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हादर रचा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ब तुम काबो आपा दे मोय बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए
पूर्ण होय हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ो कोई अपना त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ, सेवक से कमारे तारी है, चुन चुन सतरा मारे मारी है, आप आद मुझे बरी है, मरण काल का त्रासनी बरी है, हु जो सदा हमारे पछा, श्रीअस्तु जो करो रक्षा, राख ले मोय राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बांदुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कन विष्णु प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दै दक्षिण उपजायो, आद अंत कवतारा, सोई गुरु समझे हमारा, नमस्कार तिसी को मारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिव कण को शिव गुण सुख दियो, सतरण को पल मोहम्मद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुचरिया सूला, सप्र कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट की जान, जब तो करख करा कर तारा, प्रजा तर तब दे अपारा, जब कर कर तो कब हूँ, तुम मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सृषभ तार, आप अपनी बूझ उचार, तुम सभी ते रत निरालम, जानत वेद भेद रियालम, निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद नील नाद संभ, ताका मूड उचारत पेदा, जाको पेव न पावत वेदा, ताको कृपान मानत, महा मूड कछ भेद न जानत, मां देव को कह सदा शिव, निरंकार का चिन्हित न पीव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तू है तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा, कै विद सदा प्रथम संसारा, एक रूप नूप स्वरूपा, रंग प्यो राम कई भूपा, अंड जिर से तिजकीनी, उत्पज खान बहु रच दीनी, कहूं फूल राजा बैठा, कहूं सिमट प्यो संग्रह कैठा, सिगरे सिर दिखाए चंपो, आजुगाद स्वरूप स्यंपो, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संगरो, दुष्ट ते ठुआ तुत पाता, सकल मिलेश करो रण काता, जे अस्तु तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकले है, रचा हुए ताय सब काला, दुष्ट रिष्ट्र तत्काला, कृपा दितन जाय न हरो, ताके ताप तनक मोहरो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास्वास कहन कोई, एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फास्ते ताय उबारा, जिन नाम त्यारो कहा, दर्द दुष्ट दोग ते रहा, खड़ग केत में सर तिहारी, आपाद लेहु बारी, सर्व ठोर मो सहाई, दुष्ट दुख ते ले बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता, किलविख सकल दे को हरता, दुष्ट दुखिन कोछ करता, श्रीय तु जप दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बाशंत फल पावे सोई, दुख नाते से व्यापत कोई अडिल, सुने गुंग जो याए सुरसना पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौनिक ना तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपई, को कह चौपई,
संबत सतना सहज पनी जय अद सहस पुंतीन कही जय पाद्रव सुधवी अष्टमी रवारा तीसर तव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को अक्तरे नियाने हो राम रहीम पुराण कुरान नेका में देख ना माने हो सिमरत शास्त्र वेद सब भेद कह हम एक ना जाने हो श्रीयस पान कृपा तुमरे कर मैं न कहो सब तो ए बखाने हो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाएंगे की लाज अस गोविंदास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। अज गुरु रामदास जी दा बाबा दीप सिंह साहिब जी दा संगत रूपी परिवार उन्हें गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा खड़की इस इलाके विच एकत्रित होया और हो रहा है। सारे परिवारक मैंबरां नूं मैं जी आया आखदा बिल्कुल थोड़ा जिहा समा आपां लाउणा है पिता जी लवाउण कृपा करन। पर मेरी एक बेनती एडी तगड़ी भावना नाल संगत विच बैठे हो इधर कौन ने आखो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। सारे आखो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। एडी तगड़ी भावना बना के बहना कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रूप दे विच आप हाजर नाजर गुरु रामदास पिता चमकड़ा मार के बैठे ने। फिर कीर्तन करन दा भी रस आएगा कीर्तन सुनन दा भी रस आएगा। आओ कीर्तन की आरंभता 5-7 मिनट वाहिगुरु गुरमंत्र के जाप के जुड़ के करो। जिथे जिथे बैठे हो ना एक एक चो पंजा पंजा दी आवाज आवे मेरी बेनती है। और जिन्हां कोल मोबाइल ने बंद कर देना सैलेंट मोड ते कर देना। कोई संगत विच बह के फोन करने सुनने नहीं फेसबुक व्हाट्सएप नहीं चलाउणियां। शब्द पढ़न लई सहारा लै सकदे बेशक लै लो कोई गल नहीं ते पर उदा सारे जाने आपो अपने मोबाइल कृपा करके बंद रखे हो क्योंकि ये समा पता नहीं फिर कदों मिलना ये तो पिता जी जानते हैं। आओ 5-7 मिनट वाहिगुरु गुरमंत्र का जाप सारे हाजरी लाओ जी कोई रसना वांझी ना रहे। वाहिगुरु 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 वाहे गुरु जपो जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तन वाहे गुरु लो हाजरी वाहे गुरु वाहे गुरु तन वाहे
वाहे गुरु धन वाहे गुरु 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 Much.
गुरु वाहेगुरु 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 संगत दी आवाज आवे वाहेगुरु वाहेगुरु संगत दी आवाज वाहेगुरु 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 थोड़ा होर खिचो कम थोड़ा गजो होर उची दोपहरी तीन तो चार और रात नू दस तो ग्यारह पीटीसी सिमरन के माध्यम राही जो परिवारक मैंबर तीन चार जरूरी जरूरी गल्लां करदे आ वो गल्लां करके मैं शब्द पढ़ना है और सब नू पता है वो गल्लां गुरमत आशय अनुसार भी हुंदियां ने न्यू जनरेशन नू मोटीवेट करन वालियां भी हुंदियां ने जेडे डिगे हुए मन नू हलूणा देने वाली भी होंदिया ने जेडे मन डिग जाते हैं ना उन्होंने सपोर्ट देने वाली हैं। पहली गल ध्यान सुने ये मेरी बेनती है जदों भविष्य धुंधला पैन लग पवे ना धुंधला फ्यूचर भविख दे विच कुछ भी नज़र ना आ रहा होवे कई बार यहोजी सिचुएशन आ जाती है जदों भविख प्यारे धुंधला पैन लगे ना धुंधला तो उस वेले तुसी अपने मन नू वर्तमान दे विच लिया के अपना जेड़ा ध्यान है ना वो गुरु चरणा दे विच जोड़ के अरदास करो तुहाडा जेड़ा धुंधला भविख है ना वह भी उजला होना शुरू हो जाएगा। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी मैं दोहरा रहा जदों भविख धुंधला नज़र आने लग पे ना हाए हुण ते कोई रस्ता ही नहीं कई बार यहो जी सिचुएशन बन जाती बंदा कहिंदा हुण ते मैं मरी जाना है बस खत्म जिंदगी दा एंड कदी ये चीज़ ना अपने अंदर ले आया करो मेरी बेनती है प्यारे हो वो एक रस्ता बंद होया दस होर गुरु रामदास ने खोल देने ने टेंशन कदी है टेंशन ते वह लवे ना जिदा बापू छोटा है जिदा बाप एडा वड्डा उनू टेंशन लैण दी लोड़ नहीं आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार नाल आखो धन बाबा दीप सिंह जी जदों फ्यूचर धुंधला नजर आने लग पे ना धुंधला हुण है ही नहीं जदों करोना काल दे विच ए समागम शुरू होए सी ना हजारां मैसेज सानू ओ दिनां च संगत दे इहो जे आए हजारां मैसेज एक दो नहीं हजारां मैं लफज बोल रहे हैं कि असी बस आत्महत्या ही करन लगे सा असी मरन ही लगे सा पर जदों दा इस समागम नाल जुड़ गए मन नूं इन्नी सपोर्ट मिल गई इन्नी शांति मिल गई कहिंदे असी सोचदे सा साडा कुछ बनना नहीं पर गुरु रामदास ने इहो जिहा तरस कीता इहो जी मेहर कीती करोना दे विच जिहड़े कम्मां कारां नूं ब्रेकां भी लग गईआं सी ना जदों करोना ए सिस्टम सारा हटिया ते गुरु रामदास ने चार गुणा वधा के कारोबार चला दिते ने बोले सोनेहाल
गल कर रहे हैं कभी भी ये टेंशन ना लिया करो। टेंशन वो लवे जिहदा बापू छोटा है, साडा बापू बड़ा वड्डा है। वो बापू का नाम है आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। पुणे वाले वो कैम हो हाँ। जदों सत श्री अकाल कहना ना दोवे बावां तां करके, ये कोई मन मत नहीं। एक दिन मैं सतगुरां कोलों पुछिया, मैं क्या सतगुरु प्यार दे विच संगत इतना बाहां खड़िया कर देंदी है ते तुसी की इशारा देंदे? ते महाराज दा बाणी दे विच बचन है, महाराज कहिंदे जदों कोई भी तेरा कम रुक जे ना, दोवें बाहां उच्चियां करके उपर भुजा कर, मैं गुरु पै पुकारिया तिन हौ लिया उभारी। कहिंदे मैं दोवें बाहां उच्चियां करके, दोवें हथ खड़े करके ना गुरु नूं पुकार कीती, दत्या मेरे हथ खड़े ने, मेरिया बाहां खड़िया ने, हथ उच्चे ने, मैं किसे जोगा नहीं। हुण मेरा बल भी कम नहीं कर रहा, हुण मेरा शरीर भी कम नहीं कर रहा, हुण पैसे भी मेरे कम नहीं आ रहे, हुण आले दुआले वाले भी साथ छड़ चुके ने, मित्र दोस्तों ने भी पिट ते लत मार दिती है, हुण कोई हीला वसीला नहीं चलता। मैं दोवें हथ उच्चे करके तेरे अगे पुकार करदा, कृपा का खाता खोल के मैनू इस मुसीबत चों कढ लै। गुरु जी कहिंदे जदों उच्चियां बाहां करके मैं पुकारिया, फिर गुरु साहब ने मैनू मुसीबतां चों कढ लिया, विकारां दीआं मुसीबतां तों, बाहरलीआं मुसीबतां तों, सारीआं मुसीबतां तों कढ लिया। इस करके जदों भी जकारा लाउणा है ना, तो दोवें बाहां उच्चियां करनियां, ये भावना बनाउणी कि महाराज कृपा करो, असीं किसे जोगे नहीं, नकम्मे आ नकम्मे, नकम्मे किसे गल दा दम ते है ही नहीं ना। एक सकेंट का तेरा भरोसा नहीं, जेड़ा ढाई गिठां का सह अंदर गया की पता इन्हें भी मुड़ के आना कि नहीं आना जी। भरोसा तो है ही कोई नहीं, पल तो है ही कोई नहीं, नकम्मे आ। बस जिमें तुहानू चंगा लगता है ना, उदा मैनू बख्शिश के खाते बख्श दौ जी। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। जदों फ्यूचर तुहानू धुंधला लगन लग पे, वर्तमान दे विच अपने आप नू लियाओ, ध्यान केंद्रित करो अपने गुरु रामदास दे चरणा दे विच, ते करो अरदास, पिता जी हुण बाह फड़ लो। जदों पिता जी दे चरणा विच ध्यान केंद्रित करके अरदास करोगे ना, फिर प्यारेओ तुहानू जिहड़ा धुंधला भविख है ना, वह भी उजला नजर आना शुरू हो जाएगा। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। अगली गल ये भी ध्यान नाल सुनियो, बड़ी प्यारी है और जिंदगी दे विच बड़ी कम आएगी। जेड़ा इंसान अपने कर्म फल दे प्रति निश्चिंत है ना, कर्म फल दे प्रति, जेड़ा इंसान अपने कर्म फल दे प्रति निश्चिंत है ना, कर्म फल दे प्रति प्यारे ओ, ते जेड़ा इंसान अपने कर्तव्यां दी पालना करदा है, अपनियां ड्यूटियां दी पालना करदा है, ओहो ही असलियत दे विच योगी है। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। फिर मैं दोहरा रहा, योगी ओ नहीं हुंदा जिन्हें भगवें कपड़े पाले, योगी ओ नहीं जिन्हें विभूति ला ली, अपना शरीर नगन कीता ते सारे पासे भजदा है, इहो जिहा योगी तुसी सोचो जरा, जे इहो जिहा योगी कोई बनना चाहे किदां दा लगेगा। हुण असी जिन्ने बैठे हाँ, असी जे इहो जिहे योगी बन जाइए, कपड़े ला दीए, मथे दे उत्ते विभूति ला लीए, सारे शरीर दे उत्ते विभूति ला लीए, उदां ही तुरदे फिरीए, किड्डे अजीब लगांगे है जी। महाराज कहिंदे तैनूं मैं योगी बनाउणा ग्रस्त विच रह के। महाराज ओह किवें? कहिंदे ग्रस्त विच रह के ग्रस्त दे अपने धर्मां नूं निभा, धर्मां नूं निभा, अपनी ड्यूटी नूं समझ। बच्चियां नूं जन्म दिता ही ना, इन्हां नूं ते पालना भी ते तेरी ड्यूटी है कि नहीं, वो भी ड्यूटी समझना।
जे बच्चियां नूं जन्म दिता है ते बच्चियां दा पालन पोषण करन दी ड्यूटी भी तेरी है, जिम्मेवारी उह ड्यूटी नूं संभाल। ते जिथे किरत कमाई करदा है, बच्चियां दे लई खुराक दा प्रबंध करदा है, दसां नौवां दी किरत करदा है, बाबा कहिंदा मैं तैनूं असली जोगी बनाउणा, मैं घर बार नहीं छडाउणे। मैं ते इह चीज कहिंदा, इह नहीं कहिंदा कारोबार ना कर, बाबा कहिंदा कारोबार कर, पर दसवां हिस्सा मेरे लिए कट दे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। महाराज ये नहीं कहते कि प्यारिया तू अपने ग्रस्त जीवन का त्याग कर। महाराज पता की कहते, ग्रस्त विच रह पर ढाई घंटे का समा मेरे लिए जरूर कट। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। अपने फर्जा की पछाण कर, फर्जा की अपने करतब जेड़े ने ना उन्हां दी पालना कर। जेड़ा इंसान अपने फर्जा की पालना करता है ते अपने कर्म फल प्रति निश्चिंत, कर्म फल प्रति निश्चिंत पता की, पता है मैं कुछ माड़ा किया ही नहीं, मेरे नाल माड़ा हो ही नहीं सकता। ते जां इदां कह लो जो मैं कीता है उहदे प्रति मैं सुचेत हाँ, मैं माड़ा कीता तो माड़ा ही वढ़ना, चंगा कीता चंगा ही वढ़ना। जिहड़ा इदां निश्चिंत हो गया ना, निश्चिंत प्यारे ओह फिर माड़ा करन लग्या भी संकोच करेगा। जिहड़ा कर्म फल दे प्रति निश्चिंत हो गया वह माड़ा करन लग्या भी संकोच करेगा कि अज जे मैं किसी नाल वधीकी कर रहा ना, कल नूं इहो ही वधीकी कई गुणा वध के मेरी झोली च वापस आउणी। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो ना जी धन बाबा दीप सिंह जी। महाराज कहिंदे आ मैं तैनूं असली योगी बनावां। असली योगी कौन? जिहड़ा कर्म फल दे प्रति निश्चिंत और अपने फर्जां दी पालना करदा, असल विच उहो ही योगी है। दो गल्लां होर करके आपां शब्द पढ़ना, ये ध्यान नाल सुणियो और जिथे जिथे जगह मिल रही ना बस टिका टिका दे विच बैठियो। मेरी बेनती है कि मौके वार वार नहीं जे मिलने, मैं बापू जी की गोदी च बैठा जिथे भी जाने हैं ना, मान लो समा हुंदा 9 बजे का, 7-7 बजे संगत आके बह जाती। रैन सबाइयां हुंदियां ने अमृतसर साहब, हुण 18 फरवरी की रैन सबाई है, पिछलियां रैन सबाइयां यूट्यूब पर वेख लैना, तुसीं वेखियां होणगियां बहुत सारे प्रेमियां ने। असी प्रोग्राम शुरू करना हुंदा 9 बजे, 6 बजे के करीब करीब राती 9 बजे प्रोग्राम शुरू करना, 6 बजे के करीब करीब 2-3 हज़ार संगत पहले ही चौंकड़ा मार के बह जाती कि बाद में सानू जगह नहीं मिलनी। तो उठते नहीं, जो मर्जी हो जाए उठना नहीं उन्होंने। 3 बजे भी धक्के मैनू समाप्ति करनी पैंदी धक्के, नहीं तो एक शब्द होर पढ़ दिओ जी, एक शब्द होर पढ़ दिओ। एडा प्यार संगत करती है तो प्यारे हो, यो ही प्यार की आस मैं तुहाडे कोलों भी रखता। बस जिथे बह गए हुण बह गए, एक तुहाडा भरोसा बच जे। एक गल कह, आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। नहीं इदां नहीं गल बनदी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखो धन बाबा दीप सिंह जी। देखो जेडे रोज वेखण वाले उन्हां नूं पता है, मैनूं कहण दी लोड़ ही नहीं, बाबे दा नाम लैणा ते हथ आपे तां हो जाणे। है जी, सुणियो ध्यान नाल, मैं कई वारी ये चीज कहना, जदों ये प्रबंधकां ने उपराला किया ना कि इदां समागम है, हजारां तक मैसेज गया, बहुत वड्डी गिणती च संगत पहुंची। कल नूं मैनूं पता है इस तों भी डबल ट्रिपल हो जाणा काम, सवेरे भी तराती भी वड्डी गिणती च संगत आई, पर सारे नहीं आए जिन्हां नूं इश्तिहार पहुंचे, सारे नहीं पहुंचे। कईआं ने इश्तिहार वेख के ना इगनोर कर दिता होएगा, बड़े प्रोग्राम होंदे रहिंदे ने, कोई नहीं अज राती नहीं जावांगे, कल चले जावां, की फर्क पै जाणा। कई इहो जिहे भी होणगे, कई इहो जिहे भी होणगे जिन्हां ने आउण दा प्रोग्राम बनाया पर एट ए टाइम तबीयत खराब हो गई, आया नहीं गया। तो कई योजे भी हो गए शाम तक जिन्हों का कोई प्रोग्राम नहीं सी आने का, अचानक आ गए, योजे भी हो गए। मैं जी गल कर लगा थानू पॉजिटिव करन वास्ते, मैं जिन्हें भी कीर्तन करदा ना बापू जी करवाते, मैं थानू पॉजिटिव करदा की हो जाएगा यार, की हो जाएगा, आह काम बंद होया दो होर शुरू हो जाएंगे, की फर्क पै जाना, टेंशन का दी दिमाग पर बोझ का दा। मैं आही चीज सिखाउना महाराज जी की मेहर न। हुण सुनियो, हजारां तक ये मैसेज गया पर हजारां नहीं आए, सारे नहीं आ गए। मैनू इउं लगदा है
ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੈਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੋਈਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰਨਾ, ਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੋਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਤੋਰਨਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ, ਬਸ ਇਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਆਈ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤੋਰਨਾ। ਤੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਗਾਂਹ ਵਧਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਜਿਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸੁਣਿਓ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੱਧਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਮੈਂ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਦੀ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੀ ਛਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਕਈ ਖੇਤੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਆਹ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪੰਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਸਿਖਾਇਆ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਹ ਪੱਕਾ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖਤਮ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੈਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀਰਤਨ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ,
मैं कहना गुरु जी की कृपा दे नाल जिथे जिथे जा रहे नौजवान ही ज्यादा पीते ने आखो धन गुरु रामदास जी न्यू जनरेशन बच्चे बच्चिया छोटे छोटे बच्चे इन्हों मैं कुछ दिता थोड़ी है कि स्पैशली बह जाना एक मुहब्बत है ना और पॉजिटिव वाइब्रेशन ने बिठाया है ना हूँ सुने हूँ मान लो इतने कोई बैठा है 25-30 साल की उम्र है एक एग्जाम्पल देने उन्हें कभी भी बच्चे ने शराब नहीं पीती दो जाने ने ना रौला जहा पाता महल के तेनू पता है फलाने का मुंडा तो शराब पींदा पीती नहीं फिर मैं कह रहा पीती नहीं फलाने का मुंडा ना शराब पींदा हुण होएगा पता की जिन्हों कहा है ना उन्हें पता नहीं कि बारे बोलते ना किवें देख मैनू भी पता है तू शराब की गल करना है 7-8 दिन पहला तो इन्ना टन होया सी गली दे विच डिगया पिया सी ले हैं जी हुण ओह ही गल तीजे तक जदों पहुंचेगी ना तीजे चौथे तक दसवें तक ओहो छड यार ओदी ते गल ही ना कर तू ओ ते इन्ना पियकड़ है सवेर तो ही शुरू हो जांदा है उन्हें कदी पीती नहीं एक ने गल कही दूजे तक पहुंची दूजे तो दसवें तक पहुंची दसवें तो वीहां तक पहुंची तो कि गल बन गई वो लोगों के अंदरों तुसी अपने प्रति चाह के भी धारणा नहीं बदल सकते जिन्होंने तुहानू गलत समझ लिया उन्होंने गलत ही समझना है ते जिन्होंने तुहानू रब समझ लिया ना जो मर्जी हो जाए उन्होंने रब वांगू ही तुहानू पूजना है सच्चाई है उन्होंने जिन्होंने तुहानू मन ही अपना सब कुछ लेने मेरा पुत्तर है बिल्कुल सही है जो मर्जी हो जाए कुछ गलत कर ही नहीं सकता ये मेरा दोस्त है कभी गलत कर ही नहीं सकता जिन्हों के अंदर तुहाडी पॉजिटिविटी पै चुकी है ना मैं कहना दुनिया की कोई ताकत उन्होंने अंदरों कढ़ नहीं सकेगी वो चीज तो जिन्हों के अंदर गलत फहमी आ गई ना जिनी मर्जी कोशिश कर लो बाबा ही मेहर करे तो होवे नहीं तो उदा तुम चाह के भी अपने प्रति लोगों के अंदरों धारना बदल नहीं सकते जे लोगों ने तुहानू गलत समझ लिया फलानी औरत इदा की हुई उन्होंने इदा की बना देना कोई नहीं बनाई जाओ तुहानू पता है ना दुनिया जो मर्जी कही चले मैं बापू की निगाह विच ठीक हाँ है जी लोगों ने तो गुरु नानक नू नहीं छड़िया गुरु नानक नू पत्थर मारने कोई छोटी गल है दसो गुरु नानक नू पत्थर ओहो गुरु नानक नू भूतना कहना बेताला कहना है जी दीवाना कहना ये कोई छोटिया गल नहीं गुरु नानक नू पत्थर मारने कोई छोटी गल नहीं गुरु नानक नू भी पत्थर वजे ने भगत नामदेव भगत कबीर जी किनू दुनिया ने बख्शी है किसी नू नहीं बख्शते बस वो अपनी मस्ती च तुरे जाते हैं कहिंदे तेरी भगत ना छोड़ू भावे लोग हसे है जी आखो धन गुरु रामदास जी गुरु रामदास जी कहिंदे कोई भला कहो भावे बुरा कहो हम तन दियो है डा बस चंगा कह लो मंदा कह लो मैं तो वह बन गया वा भाई मैनू परवाह नहीं तुहाडी बाबा ईश्वर सिंह जी बचन पता की करते कहिंदे तू हाथी की चाल तुरे आ चल हाथी की चाल कुकर भौंकते ने भौंकते रह परवाह न कर और तुसी सियाने हो मान लो ये एक किलोमीटर का सफर है मिसाल देने इतों एक किलोमीटर तक तुसी जाना है तो सारे रस्ते दे विच कंकर पए ने पत्थर पए ने तुसी कहो मैं सारे पत्थर निके निके चुका मुश्किल हो जाएगा कम वो अपने पैरों में जुतियां पा के तुरना शुरू कर दे जी कंकर चुकन ते लगोगे ना गल नहीं बननी पैरों से जुतियां पाओ अपनी जिहड़ी वाइब्रेशन है ना उन्हों स्ट्रोंग करो अपने औरे नू मजबूत करो वो औरा मजबूत होएगा जदों तू अपना कनैक्शन जोड़ेगा गुरु रामदास नाल बाबा दीप सिंह नाल अमृत वेले नाल अमृत बाणी नाल आ जदों संगत नाल अपनी कनैक्टिविटी बनाएगा ना तेरा औरा इन्ना मजबूत हो जाएगा जिस दे कोल भी तू बह जाएगा ना जेड़ा जेड़ा भी तेरे उस औरे विच आ जाएगा ना गुरु रामदास बाबा दीप सिंह नू ओदे भी माड़े कर्मां दे चिट्ठे पाड़ने पै जाणगे इस करके लोकां दी परवाह करनी है करनी है उची बोलो करनी है नहीं करनी एक बारी मैं रैन सबाई च कहा सी लोकी गल्लां करदे ने किथे जाण
हाँ आवाज आ गई सही। किथे जान? टठे खूह च जान। सानू की लेना देना यार, वो नहीं साडे प्रति गलत उन्होंने सिस्टम बना ही लिया, असी की करिए। असी तो बस अपने मालक दे कहे मुताबक तुरना है, गुरमत आशे अनुसार अपना जीवन जीवन का यतन करना है। दुनिया खुश होवे नाराज होवे सानू टेंशन नहीं कोई, सानू तो बस इको चीज़ है, बस आ मेरा बापू नाराज ना हो जाए, बस आ नाराज ना हो जाए। आ चीज़ की अपने दिमाग में चिंता रखिया करो, होर चिंतावान करने की लोड़ नहीं। आप सवरो, परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाएगा। प्यार नाल फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव पातशाह जी का उच्चारण किया शब्द, कल गुरु हर राय साहब जी का आगमन दिन लंघिया, बड़ा वड्डा दिन, तो मेरा दिल करता है बापू जी के आगमन दिन को समर्पित करके अज पहला दिवान बापू जी सेवा लैन। फिर मैं दोहरा रहा, एक भी प्रेमी काले ना पैना, अजे तो कोई समा होया ही नहीं, 9 बजे रैन सफाई शुरू होंगी, तकरीबन 11 बजे मैं शुरू कर दा कीर्तन, 9 to 11 तक दूजे जत्थे करते हैं, 11 to 1:30 तक करीदा, तो महाराज की मेहर न बस परिवारक मैंबर असीसा ही देई जांदे ने, ते ओही असीसा मैनूं तुहाडे कोलों चाहीदियां। एक भी काले ना पैना, पता नहीं किहड़ियां किहड़ियां बख्शिशां गुरु रामदास ने दे के तोरनियां ने, किहड़े किहड़े माड़े कर्मां दे बंधन कट के भेजना, तो गुरु जाने। बस इस तरह सारिया ने प्यार विच सजना गुरु अर्जन देव पातशाह जी का उच्चारण किया शब्द है, गुरु ग्रंथ साहब जी के 626-627 नंबर अंग दे उत्ते दर्ज, मेरा मात पिता हर राया। सारे बोलो मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया, हर राया। सारी संगत प्यार च बोलियो, तो गुरु हर राय साहब जी के जीवन विचों अज प्यारियां प्यारियां 2-3 इहो जिहियां गल्लां आपां करनियां, जिन्हां गल्लां दे करके आ साडा डिगदा मन काबू विच आ जाए, गुरु सेवा लवे, करियो जी कृपा सारे। मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया, सारे मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात
Bye.
ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਪੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਣਜਾਣ ਮੱਤ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਮਿਆਂ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਪੂਰਮ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪੂਰਮ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਕਿੱਥੋਂ? ਕਾਬਲ ਤੋਂ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਬਲੀ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 10,000 ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 9,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਬਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਗਾਉਂਦਾ ਕਾਬਲ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਬਲ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗਾਉਂਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗਾਉਂਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗਾਉਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ,
पर भाई गाँदा जी हाथ जोड़ के खड़ गए, महाराज मैं गरीब दे उत्ते तरस करो, थोड़ा मेहर करो, तुमरी गत में तुम ही जानी। संगत नूं ते कहता के मेरे विचों तुहाडे दीदार, पर मैं गरीब नूं रोज तुहाडे दर्शन किवें होया करनगे। ते उस वेले सतगुरां ने अपने मुखार बिंद तों वचन कीता सी, भाई गाउंदे आ अमृत वेला ना छड्डी, अमृत वेले आसन विछा के आसन भावना बनाई होवे उहदे उत्ते गुरु जी बैठे ने, कर आसन डिठो चाओ, आसन विछा के प्रेमा भगती च जुड़ी, नितनेम तो बाद जदों आसन वल वेख्या करेगा उत्थे बह के तेनों दिदारे दिया करेंगे। वो एक बारी का जिक्र फिर तुहानू पता ही है, भाई गाउंदा जी सुरती दे नाल फड़ ले सी महाराज दे चरण, सुरती नाल महाराज बैठे कीर्तपुर साहिब, भाई गाउंदा जी कावल सुरती नाल चरण फड़ ले सी, सुरती नाल इतिहास के पन्नियां ते लिखिया उदों तक महाराज ने कीरतपुर साहब बैठे अपना चौंकड़ा नहीं सी खोलिया जब तक उन्हें काबल विच सुरती नाल चरण नहीं सी छड़े। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। मैं गल कर रहा काबल दीयां संगतां ते बड़ियां खुशियां दित्तियां, पर बड़ियां हुक्मनामा भी अपने हत्थी लिख के भेजिया सी कि तुसीं केसां दी संभाल करियो, गुरु तुहाडे अंग संग होके वरतेगा। बहुत खुशियां। तो खैर काबल तो संगत आई महाराज गुरु हर राय साहब के दीदार करन, पुणे वाले हो कैम हो, सासरी अकाल, कई ने इदा क्यों की अद्धे अद्धे कैम हो, पूरी बाहां तां कर हुण लाओ जिकारा, सासरी अकाल। हुण सुनियो काबल तो आई बड़ी प्यार वाली संगत, तो हुण जदों कोई सतगुरां दे चरणां विच जावे, हुण तुसी आए हो अपनी वित्त मुताबक, किसी ने 10 रुपए मत्था टेकिया, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 500, 1000, 2000, इदां कई होणगे। सुणे जदों भी गुरु की हजूरी च कोई जाता है खाली हथ नहीं जाता, तो खाली हथ जाना भी नहीं चाहिए, जो वित्त होवे उस मुताबक हाजरी जरूर लाओ। तो जे मान लो बाली गरीबी है ना घर च, बाबा आनंद सिंह बचन करते सी जे बहुत गरीबी है ना एक पाड़ जपजी साहब की भेटा लै जा, पर खाली हाथ ना जा, पर मैं आया आ एक पाड़ जपजी साहब का अपने चरणों में प्रमाण कर लिया, जे अजे मैं माया कढ़न जोगा नहीं बनया, पर यहो जे भाग ला तेरे दर दे उत्ते मैं लखा लखा दसवंध कढ़िया करा। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। सुनियो हुण संगतां ना प्यार विच ना अंब लैके आईआं, अंब अंब दा प्रसाद, हुण महाराज वो जरा सीन बनाओ अपनी अखां दे सामने, आ वेखो इधर भावना बना लो, गुरु हर राय साहब बैठे ने गुरु ग्रंथ साहब के रूप च, आ बैठी काबल की संगत, आ बैठिया ने दूजिया संगतां विच भाई कूरम जी बैठे ने, होर संगतां जिहड़ियां दर्शन करन आईआं सारियां बैठियां। हुण काबल की संगत ने ना महाराज की हजूरी च अंब जदों रखे ना प्रसाद रखिया, तो महाराज ने किया कि उन्हां अंबां दे विच्चों थोड़े थोड़े एक एक अंब कढ़ना शुरू किया, तो संगत विच वरताउणा शुरू करता प्रसाद, महाराज दे हाथ लग गए ना, तो एक अंब दिता भाई कूरम नूं। जदों अंब दिता ना भाई कूरम जी बड़े हैरान होए कि काबल दियां संगतां अंब ले आईआं ने, ते महाराज बड़े खुश होए ने, बड़े प्रसन्न होए ने, बहुत असीसां मिलियां ने इन्हां नूं। ते भाई कूरम जी अपने मन च सोचदे ए एडी दूरों अंब ले आए, महाराज दियां खुशियां मिल गईआं, साडे इलाके विच ते बहुत अंब हुंदे ने, ते मैं भी महाराज दी खुशी लवां, पर हुण किवें जा सकदा, एकदम किवें जावां, महाराज के चरणों में एकदम लिया के किवें अंब रख दें। तो ये कहिंदे पर खुशी लैनी है, कीता पता की जिहड़ा अंब महाराज ने इन्हां नूं दित्ता सी ना प्रसाद रूप से, गल हुण ध्यान नाल सुणियो, बाहर गए वो अंब नूं धोता कि मेरे हाथ लग गए ने अंब नूं, मेरे हाथ पहले साफ नहीं सी, भावना बना ली ना कि हुण मैं प्रसाद रूप से चढ़ाउणा है अंब। सुणियो प्यार वालियां दीयां गल्लां ही निरालियां हुंदियां, वो अंब नूं धोता धो के ना महाराज के कोल लै आए, तो कहिंदे महाराज भाई कूरम जी
महाराज ये मेरे वालों ना अंब की भेटा ये प्रसाद प्रवान करो। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। महाराज गुरु हर राय साहब कहते कहते भाई कूरम ये असी तेनू दिता है, ये तो असी तेनू प्रसाद दिता है, तू शक ये तू अंब शक असी तेनू दिता है। कहिंदा महाराज मैं सोचिया एडी दूरों काबल की संगत आप जिया अंब ले आई, तुसी बड़ी प्रसन्नता दिती ते मैं भी तुहानू अंब ये भेटा करा, तुसी मैनू भी खुशियां दिओ, एक कृपा करो मैं अंब धो के ले आया हूँ बड़े सत्कार नाल ले आया आप जी प्रवान कर लो। महाराज बड़े प्रसन्न होए ते महाराज पता की कहिंदे कहिंदे भाई कूरम ये अंब हुण तुइयों ही रख, तुइयों ही शक असी तेनू दिता है प्रसाद रूप च। महाराज फिर मेरी भावना मेरा दिल करदा तुहानू अंब खवावां, मेरी भावना महाराज कहिंदे हुण नहीं तेरे कोलों आके अंब खावांगे पर हुण नहीं सतवें जामे विच खावांगे। सतवें जामे च सतवचन हुण ये आ गया जी वापस, ते उदों दीआं उड़ीकां शुरू हो गईआं सतवें जामे दीआं कि महाराज ने बचन कीता है बचन। समा लंघता जा रहा, गुरु अर्जन देव पातशाह तो बाद आया समा गुरु हरगोबिंद पातशाह का, उन्हां तो बाद समा आया गुरु हर राय साहब जी का, जिहड़ा भाई कूरम है ना बिरध हो चुके हैं बिरध, पर रोज अरदासां करदा महाराज तुसीं वादा कीता सी सतवें जामे विच आवांगे, दुनियादारां दे वादे झूठे हो सकते पर मालका तेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। अज ना राग दे विच मस्त होया जुड़िया पिया, पो दे दिन ने पो अत दे ठंड दे दिन जुड़िया पिया, महाराज हुण नहीं रहा जांदा, हुण ते मेरा शरीर भी बिरध हो गया, पता नहीं कदों प्राण पंखेरू उड़ जाने ने। गुरु हर राय साहब जी पंजवें जामे विच तुसीं ही वादा कीता सी गुरु अर्जन देव जी दे रूप विच आओगे, कृपा करो आओ मैनूं दीदार दिओ, किते ऐसा ना होवे तुहाडे आउण तों पहलां मेरी जिंद विचों मेरी जान निकल जावे। जुड़े आवे रस दे विच पुकारा करी जांदा है करी जांदा, ते उधर महाराज ना कुरुक्षेत्र तों आ रहे ते अपना घोड़ा ना इधर लम्मिया पिंड वल पा लिया। आ जे वेखो गुरु प्रेम का भुखा है, प्रेम का प्रेम का ये बाबा आनंद सिंह साहब का वचन है, कहिंदे अज भी वह प्रशादे नू भोग लाउण नू तैयार है पर तू नाम दे वांग प्रेम ते कर दे, है जी अज भी वह तैयार है, सच्चाई है तू अंदरों प्रेम करेगा ना ये ध्यान देना। एक कमाई वाले गुरसिखां दे बचन ने कहिंदे एक आम बंदे नू भी उहदा नाम लैके आवाज मारी है, वह भी पछां एक बारी घूम के जरूर वेखदा मैनू बुलाया है, वह गुरु नू आवाजां मारेगा गुरु तेरे वल वेखू ना गुरु तेरी पुकार ना सुनो। गल इन्नी है दुनियादार नू आवाज मारनी है जुबान तो मार, वह गुरु नू आवाज मारनी है मन तो मार अपने प्राणा तो मार, तत्ते आ जा सच्चाई है फुल तोड़न विच देरी लग सकती है, अख मीट के खोलन विच देरी लग सकती है, प्यारे ओ सानू याद करन विच देरी लग सकती है पर गुरु नू आउन विच देरी नहीं जे लगती, नहीं लगती देरी, बस अंदरों आवाज मारो ते सही मारो ते सही। हुण अज दूजे पासे तारा खड़कियां ने गुरु हर राय साहब ना लम्मिया पिंड है, है, है। जिथे बैठा है ना है। अपने घर नाल बाग सी बड़ा वड्डा, पुकारा करदा महाराज आओ दर्शन दिओ, ते महाराज गुरु हर राय साहब घोड़े समेत इत्थे पहुंचे ते आवाज पता की मार दे कहिंदे भाई कूरम अखां खोल असी आ गए आ। जदों आ गए दी सुनी ना आवाज त्रबक के अखां खोलियां, हुण शरीर बिरदे एकदम
ਨਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਡੀਕਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਭਾਈ ਕੁਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਲਿਆ ਅੰਬ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ, ਅੰਬ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਵੇਖੋ ਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤਾ, ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਚਾਵੇ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰੇ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਪੋ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੁਗਦਾਰੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਾਲਕ। ਚਾਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਫੁਰਕਣ ਦੀ, ਅੱਖ ਫੁਰਕਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸੋ? ਅੱਖ ਫੁਰਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਬ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੁਰਮ ਜਰਾ ਉਤਾਂਹ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਤਾਂਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਬ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਭੇਟਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅੰਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਬ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਕੁਰਮ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੰਬ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਦੋਂ ਬਾਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਈ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਬ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪੂਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਘ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਖਿੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੋ। ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਆ, ਰੀਝਾਂ ਨੇ ਕੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਝਾਂ ਜੀ, ਰੀਝਾਂ ਨੇ ਕੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਝਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੋ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪੈਣਾ। 15-20 ਮਿੰਟ ਬਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਟਿਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੌਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣੇ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੌਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬਸ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਬਸ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਤੇਰੀ ਦੀ, ਬਸ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, 15-20 ਮਿੰਟ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
ਇਹ ਮੌਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣੇ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਓ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਾ ਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖੜਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਜੋ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਮੰਜੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਨਾ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਲਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਮੰਜੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਭ ਹਿੰਨਿਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ, ਸਭ ਹਿੰਨਿਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ, ਪੜੋ ਸਭ ਹਿੰਨਿਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ, ਸਭ ਹਿੰਨਿਆਨ ਵਧਾਈ ਹਿੰਨਿਆਨ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਹਿੰਨਿਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ, ਸਭ ਹਿੰਨਿਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ, ਗੱਜ ਕੇ ਸਭ ਹਿੰਨਿਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ, ਸਭ ਹਿੰਨਿਆਨ। ਵਧਾਈ ਦਈ,
दास जान मोहे ले हो मारे सब हिन्यान सब हिन्यान बधाई सब हिन्यान
बधाई दई गुल जी सब ज्ञान बधाई दई सब ज्ञान बधाई दई बोले सोनहार एक दो तीन मिनट का जिक्र करके अपन समाप्ति करनी एक मेरी बेनती जरूर मनियो आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी तुसी सारे परिवारक मैंबर हो और मैनू पता है तुहानू वार वार कहण दी लोड़ नहीं पैनी चाहिए मैनू तुसी रोज संगत करन वाले हो सिर्फ दो तीन मिनट का एक जिक्र करना है बेशक मैनू सवा ग्यारह तक हुक्म किया है गुरमुखा ने समा लाउण दा पर मैं दस क मिनट पहले ही संकोच लाँगा उहदा कारण पता की है एक बेनती मननी एक भी प्रेमी हुक्मनामा सुने तो बिना बाहर नहीं जाएगा यह बचन मनना दस मिनट पहले मैं तां भोग पाउणा है कि हुक्मनामा सुन के जाना है सब ने बापू जी का पूरा सत्कार अरदास विच शामिल होके ते जिहड़ियां जिहड़ियां अर्जियां लाउणियां ना तुसीं एक आम बच्चे का भी जन्मदिन होवे वह भी वंडदा है कुछ असीं गुरु हरि साहिब जी का आगमन दिन मनाया है ते बापू ने खाली नहीं जे तोरना जिहड़ी जिहड़ी भी अरदास विच अर्जी लाउणी है ना बापू ने सब तुहाडियां सही मंगां दे उत्ते सही बाउणी अज जायज मंगां दे उत्ते ते इस करके मेरी बेनती है एक भी प्रेमी इहो जिहा ना होवे जिहड़ा इस बचन नूं ना मन्ने सब ने यह बचन मनना है हुक्मनामा साहिब तों बाद आपां पूरियां खुशियां लै के जाणा है हुण गल सुण लो जिहड़ी मैं दो तीन मिनट दी करनी गुरु हरि राय साहिब ना करतब दिखा रहे सी अपने हुण गुरु हरि राय साहिब महाराज बड़े वड्डे शस्त्र चलाउण वाले दाते ने क्योंकि निरंकार ने सर्व कला समर्थ ने घोड़े ते बह के ना शस्त्रां दे ना करतब दिखा रहे महाराज 2200 घोड़ सवार हर वेले नाल हुंदा सी महाराज 2200 ते एक छोटा जिहा बच्चा महाराज जदों करतब खा रहे ना वह डिग पिया जदों डिगया ना तो उस समय दयालू दाता जी अंदर तरस आ गया एकदम करतब अपने विखाने बंद किए घोड़े तो उतरे तो महाराज उस बच्चे नूं पता की कहिंदे कहन लगे बेटा तू डिग क्यों पिया गल सुनन वाली जी तू डिग क्यों पिया तो अगों पता की कहिंदा उहदा नाम सी बूढ़ा कहिंदा महाराज तां करके मैं डिग पिया जदों तुसी घोड़े ते करतब दिखा रहे सी मैं डर गया उम्र मेरी छोटी मैं डर गया तो मैं डिग पिया ते महाराज ने ना उन्हों गलवकड़ी च लै लिया गुरु हरि राय साहिब जी ने गल सुनियो ते गलवकड़ी विच लै के ना गुरु हरि राय साहिब पता की कहिंदे कहिंदे ओ पुत्रा तेनू डरन दी नहीं लोड़ तेनू डरन दी नहीं लोड़ क्यों डरदा है तेनू डरन की नहीं लोड़ गुरु नानक दे घर विच्चों तेनू एहो जिहियां बख्शिशां मिलनियां ने तू ये शस्त्रां तों ये करतब वल वेख के डर गया ओ गुरु घर विच्चों तेनू तेरी कुल नूं एहो जिहियां बख्शिशां मिलनियां तेरी कुल दे विच वड्डे वड्डे राजे जन्म लैणगे जेडे दुश्मनां नूं शस्त्रां दे नाल हराया करनगे तेनू ए शस्त्रां तों डरन दी नहीं लोड़ तेरी कुल विच एहो जे प्रतापी राजे आउणगे जेड़े दुश्मनां नूं नत्थ पाया करनगे बोले सोनहाल कितें पढ़ो जिक्र एहो ही बच्चा वड्डा होया गुरु गोबिंद सिंह साहिब दा समां जदों आया इन्हें अमृत छकिया भाई बूढ़ा सिंह बनिया एदी कुल दे विच ही समा पा के महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा जन्म होया है जी आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी आ जे गुरु हरि राय साहिब महाराज जे दयालता दे घर विच आ जाण कहिंदे तू डरदा क्यों है तू डर के डिग पिया तेनू मैं डिगण ही नहीं देना
तू हुण डिगिया ना इहो जिहा गुरु नानक दे घर वालों तैनू बख्शिशां मिल जाणियां ओ तेरियां कुल्लां विच वी इहो जे आ जाणगे जिहड़े कदी डिगणगे नहीं सगों डिगिया होयां नू ओह चकिया करनगे वाहिगुरु तू डिग नहीं सकदा तेरिया कुल्लां विच इहो जे आउणगे गुरु नानक तेरिया कुल्लां ते इहो जी कृपा रखेगा तेरिया कुल्लां नू वी डिगण नहीं देवेगा मेरी बेनती है वो बच्चा तो डर के डिग पिया ना मेरी मेहनती असी अंदरों डिग जाइए अंदरों डिग पो अच महाराज हार गए हैं हर पक्ष तो हार गए हैं किसे जोगे नहीं किसे जोगे नहीं कदी बाहरों हमले होंदे ने आलस तंग करता है कदी अंदरों हमले होंदे ने कदी कुछ हार गए हैं कृपा का खाता खोलो अज डिग पए हैं जिमें वो बच्चे नू अपने गल ना ला लिया जे ना अज सानू डिगिया होया नू अपने गल ना ला लो जिमें ओदिया कुल्ला नू गल ना ला के रखिया जे ना डिगन नहीं दिता सानू भी कदी भी विशे विकारा की अग दे विच डिगन ना देना आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार ना लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी अंदरों इस सबने अरदास करनी कीर्ति की मैं समाप्ति करनी है प्यार सहित एक बार फतेह बुला दो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह नाम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज सिद्धि मन वजिया वधारिया आदर तन परवार परिया शब्द का वड़ियाईया लोक का वो हरि के मन जिने वसाया नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया हे मन मेरे तू सदा रोहर नामे अरनाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारणा समना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे हरे नानक मन मेरे सदा रोहर नामे साचे साहिबा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब ज्ञाना ही करते रहे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया शान सब मने आए वसया जिन इच्छा सब हो जाईया सदा कुर्बान की कागर विलो जिसी आए बड़े आईया कहे नानक सुनो संतों शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सभागे कर सभागे शब्द वाजे कला जित करतारिया पंच जोर जोर वास कीते काल कंठ कमाया करम पाया तद जिन को से नाम हर के लागे कहे नानक दस हो आदत कर आनंद वाजे आनंद सुनो बड़ पाकी हो सगल मनोरथ पूरे हर हर दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत सत भय सच्चे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर दया पर पूरे वंदनार पुर चरण लागे बाजे अंतर धुरे सो पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत युसला नवेदाई दाया खेले सकत जगत चंगियाया मयाया बचे तर महदूर करमिया पवापनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम प्याया दैम सकत काल नानक ने उपे उचले केती छुटी नाल बोलो वाहिगुरु जी का कांड सा वाहिगुरु जी की फतेह ठाकुर तुम पहर जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बालक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई ना जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा
भगवंत सगल समगरी तुमर सूत्र धारी तुमते होय सुआज्ञाकारी तुमरे गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी दुनिया गे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा बोलना जी वाहिगुरु 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 तू समरथ अकाथ्य गोचर जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक ली त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंदन सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ निद आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां की जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु पंजा प्यारिया चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई देग वाही देख के अंडिठ कीता तिन्हां प्यारिया सच्चियारियां दी कमाई का ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हित शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आर्यां नाल चुरवाए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिन्हां दी पवित्र कमाई का ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवै चित आवन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रसिया रियायत देग तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु आप जी दे सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान मिसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी के दर्शन स्नान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु हे निमाणियां दे माण नितानियां दे तान न्योटियां दी ऊट निपत्तियां दी पत निगतियां दी गत न्यासरियों के आसरा धन धन साहिब श्री गुरु नानक दे महाराज जीओ धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन बाबा दीप सिंह जी धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जीओ चवर छतर सिंघासन दे मालक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर कारिमो रहीमो पै ऐद परवदगार सच साहिब बंदी मोच दीन दुनिया दे मालक गद्दी ते विराजमान सुभायमान साहिब ए कमाल तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरु जी ऐस वक्त आप जी दे पावन चरण कमला पास समूह संगत की अरदास बेनती जोतड़ी है
आप जी ने दर प्रवान करनी सतगुरु जी आप जी दे दरों करो मरसाए हुए महापुरख सतकार जोग भाई साहब भाई गुर इकबाल सिंह जी सतकार जोग भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी जो सतगुरु जी गुरमुख प्यारियां वालों आप जी दी मेहर जी दे सदका चाली दिनां दे अमृत वेले दे समागम सतगुरु जी करवाए जा रहे हैं। अज आप जी ने कृपा की उन्नवे अमृत वेले दे दीवाना दे सतगुरु जी आप जी ने सेवा ले आप जी दी मेहर जी दे सदका बीबी गौला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट विखे सतगुरु जी अमृत वेले दे दीवान सजे सजे दीवाना दे अंदर आप जी दे पावन प्रकाश होए उपरंत जपजी साहब की गुरबाणी दे जाप गायन किते वाहगुरु मूल मंत्र दे जाप गुर मंत्र दे जाप शब्द कीर्तन दी हाजरी गुरमत विचारां होईयां गुरबाणियां दे जाप करदियां शब्द कीर्तन दी हाजरी लगवांदियां गुरमत विचारां करदियां एक नी अनेक प्रकार दियां गलतियां कर गईयां लेखै कते न छूटी है खिन खिन भूलन हार बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार सतगुरु जी अपने अनजाण बच्चे समझ के मवाफ करना आई समूह संगत की हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल भेटा दर प्रवान करनी जिन्नियां भी संगतां ने सतगुरु जी अमृत वेले दे दीवाना दे विच हाजरियां भरियां सब दियां हाजरियां दर प्रवान करनियां ते जिहड़ियां संगतां ने लाइव दे माध्यम राहीं घरां दे विच शहरां दे विच नगरां दे विच अमृत वेला संभालिया अमृत वेले दे नाल जुड़ियां सब दियां हाजरियां दर प्रवान करनियां आप जी की कृपा जी दे सदका चार पैर रहण आई सी सरबत दी सुख सुख बतीत हुई ऐस वक्त आया हुआ दिन सरबत दा सुख सुखां दा बतीत करवाना नगर विच जोड़ मेल इतपाव बख्शना चरणा कमना नाल प्यार बख्शना सरबत दा भला करना कारज रास करने सतगुरु जी आप जी की कृपा जी दे सदका जो राम तीर्थ रोड बाबा दीप सिंह जी चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है सतगुरु जी ट्रस्ट दे विच जिन्नियां भी सेवावां चल रही सारियां सेवावां आप जी ने चढ़दी कला दे विच लैणियां दादा दाता एक है सब को देवन हार देंदे तोट ना आवी अगंत परे भंडार आप जी दे अगंत भंडारियां दे विचों पवित्र गुरु कीयां देगां सज के हाजर आनंद साहब जी की अरदास अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिसटाए करी पाक साल सोच पवित्रा हुण लाओ भोग हर राय आप जी करो कृपा कड़ा प्रसादी देग नूं भोग लगाउणा लग्या होया भोग प्रसाद साध संगत दे विच वरते जो जी सके सो आप जी दा नाम सत नाम श्री वाहिगुरु गुरु जपिए इस वक्त आई हुई समूह संगत नूं अमृत वेले दे हुक्मनामे साहिब बख्श के निहाल करना हुक्मनामे साहिब दे चलन दी समर्था बख्शनी इस वक्त जो जी आप जी की चरण शरण विच आवे सो राजी जावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले निहाल श्री अकाल कबल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ कहत मांज सोद जिसै दह पात खाही जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जीओ सो कह टल गुद सेविया एहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवे शिव दुख समदी नू
गोरे अरसो कुरसो चटिए तुद डिठे सचे पात सा माल जन्म जन्म दे कटिए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो सुरठ कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन पै अरुगा कोट बिघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन पै अरुगा कोट बिघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया गाव सुनो पढ़ो नित पाई गुरपुरे तू राखिया रहाओ साचा साहिब अमित वडाई भगत वसल दयाला संता की पैज रखता आया आद बिरद प्रतपाला हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा ताब सब नाठा गुण गोविंद नित गावो सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सुरठ महला पंजवा
कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा प्रगटे भले संजोगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।